ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड ये सिंस 1859 से कंपनी है, और यहाँ पे नो जैसे आपने देखा कि एग्रीकल्चर बिजनेस में है, जनसेट बिजनेस में है, और हम अभी नो ऑटोमोबाइल में हमारा काफ़ी मार्केट लीडर है, छोटे सिंगल सिलेंडर नो इंजिन के लिए। सो हमारे पास बड़े OEM है जैसे महिंद्राज है, पियाजोज है, टाटा मोटर्स है, नो इनको हम अपने इंजिन, सो दीज आर आवर इंजीनियरिंग कंपनी बेसिकली, एंड काफ़ी लंबे समय से हम इंडस्ट्री को सर्विस कर रहे हैं। ये हमारा फार्म बिजनेस तो काफ़ी लंबे से चल रहा है, पहले से हम फार्म बिजनेस में हैं। हमारे यहाँ फार्म बिजनेस में काफ़ी रेंज, हम पूरी सॉल्यूशन फार्मर को देने की कोशिश करते हैं। सो जैसे जी आपने देखा कि एग्रीकल्चर लाइफ साइकिल जैसे रहता है अपना लैंड का या अपना, तो हर लाइफ साइकिल में हमने सब सॉल्यूशन कास्ट फार्मिंग के लिए प्रोवाइड किया है। जैसे आप स्टार्ट विद पावर टिलर होने दो, या रिपर होने दो, या वीडर होने दो, या स्प्रेयर होने दो, या कंबाइन हार्वेस्टर होने दो, तो इसकी पूरी रेंज हमने कवर की है। अब हमारे सबसे बड़ा जो मेन है वह पम्प सेट्स है, सुनो, जो हमने पम्प सेट जो पेट्रोल केरोसिन पम्प सेट है, डीजल पम्प सेट है, सो इसमें पूरी रेंज को हमने कवर की है। सो हम फार्मर को पूरा सॉल्यूशन देना चाहते हैं, सो जहाँ भी वो आए कि हमारी पूरी रेंज उनको मिले। पम्प सेट की कीमत जैसे कि होंडा में मैंने बात किया तो 30,000, आपका पता नहीं कितने हज़ार में BHP वो लोग 8,000 में दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो पा रहा है? देखिए कि वो चाइनीज़ जैसे उनको जो है, अब आप देख सकते हैं कि तभी से उन्होंने जो है मास प्रोडक्शन चालू किया था, और जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन होते, सो मैं मालूम नहीं मुझे तो वो कैसे 8,000 में मेंटेन करते हो, तो वो क्वेश्चन उनको ज़्यादा मालूम रहेगा। बट हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि हम कस्टमर के पास ज़्यादा जाए, हम कस्टमर को पूछे कि उनको क्या चाहिए, राइट, और उनको जो चाहिए वो देने का पूरा कोशिश करें, राइट, तो उसके लिए वो पैसा देने के लिए तैयार रहता है। अगर मैं कोई चीज़ ऐसी दूँ कि जिसकी चीज़ उसको पूरी उपयोग नहीं ले सके, या वो जो अगर फार्मिंग में जाए और बंद पड़े, तो वो चीज़ को कभी लेगा नहीं आगे, यू नो, हम उनके साथ लंबी रिलेशन रखना चाहते हैं फार्मर के साथ। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में है, और हम अभी अपने जो कोर बिजनेस है उस पर काफ़ी कॉन्सेंट्रेट करके उसको बड़ा करना चाहते हैं, जहाँ से जहाँ हम, जैसे हमारे एग्रीकल्चर बिजनेस है, हमारे ऑटो बिजनेस है, हमारे यू नो आफ्टर मार्केट है, या जनसेट बिजनेस है, इसको हम जो बिजनेस चला रहे उसको ऊपर की तरफ लेना चाहते हैं। क्या सर आपके प्लान है सोलर पंप सेट देने के लिए? जी हमारे प्लान है, बट अभी हम जो बना रहे हैं, जैसे हमने कहा पेट्रोल केरोसिन डीजल, इस पंप सेट को कस्टमर की काफ़ी अभी रिक्वायरमेंट है, तो इसको हम इस तरह बनाना चाहते हैं कि वो जो कस्टमर फ्रेंडली हो और कस्टमर उसको काफ़ी यूज़ कर सके। सोलार जब भी हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ काफ़ी हमारा इस्टेब्लिश होता है, तब हम सोलार की तरफ बढ़ना चाहते हैं। इससे हमने कहा कि हम इंडिया में भी है, और हमारा एक इंटरनेशनल बिजनेस है, जो हम काफ़ी जैसे हम साउथ ईस्ट एशिया है, या फिलीपींस है, या आप अफ्रीका है, या मिडिल ईस्ट है, वहाँ पे भी हमारी प्रोडक्ट जाते हैं, और वहाँ से भी काफ़ी डिमांड है हमारी प्रोडक्ट को। बांग्लादेश, श्रीलंका, सार के जैसे कंट्री में काफ़ी डिमांड है फार्म बिजनेस की, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंजिनस की। सो हम हमारा इस्टेब्लिशमेंट है, अभी हमने नेशनल स्टेज पे, बट हम उसको काफ़ी बड़े स्तर पे लेके जाएंगे। इससे हमने कहा कि हम इंडिया में भी है, और हमारा एक इंटरनेशनल बिजनेस है, जो हम काफ़ी जैसे हम साउथ ईस्ट एशिया है, या आप फिलीपींस है, या आप अफ्रीका है, या मिडिल ईस्ट है, वहाँ पे भी हमारी प्रोडक्ट जाते हैं, और वहाँ से भी काफ़ी डिमांड है हमारी प्रोडक्ट को। बांग्लादेश, श्रीलंका, सार के जैसे कंट्री में काफ़ी डिमांड है फार्म बिजनेस की, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंजिनस की। सो हमारा इस्टेब्लिशमेंट है, अभी हमने नेशनल स्टेज पे, बट हम उसको काफ़ी बड़े स्तर पे लेके जाएंगे। फार्म बिजनेस की अगर बात करें सर, सिर्फ टर्नओवर तो हमने काफ़ी यू नो जैसे हम बोल सके इंडस्ट्री की, अभी हम अभी जो कि पंप सेट में हमने 40-45% का मार्केट शेयर करते हैं, पावर टीलर में हमारी
20% मार्केट शेयर है इक्विपमेंट में, सो काफ़ी हम उसको यू नो मार्केट को कवर करना चाहते, तो हम यूजुअली देखना चाहते कि हमारा मार्केट शेयर कैसा बढ़े, हम कैसे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा रीच करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पुल तैयार करें, सो दैट इज़ आवर पुट टू इम्प्रूव आवर रेवेन्यूज। सी यूजुअली हम कॉम्पिटिटर ऐसे नहीं समझते, हम कस्टमर की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम कॉम्पिटिटर की तरफ कभी नहीं देखते हैं ज़रूर, कि जैसे हमने कहा कि कुबोटा है या होंडा है या VST है, इनकी हम कॉम्पिटिशन नहीं देखना चाहते, जो क्या वो कैसे करें जिस कस्टमर को हम कस अलग तरीके से कस्टमर को कैसे अप्रोच करें कि जिस तरह से कस्टमर हमारे पास रहे, दिस इज़ आवर अप्रोच, सो वी डोंट थिंक देर इज़ अ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन इज़ ऑलवेज देयर, बट हम यूजुअली हमारा फोकस ज़्यादा कस्टमर के पास रहता है, करेक्ट। दोनों पे से अगर हम क्वालिटी अच्छा देते हैं तो कस्टमर की परसेप्शन अच्छी रहती है, उसकी यू नो पुल ज़्यादा रहती है, और अपने आप अगर सर्विस देते हो तो अपने आप वो वापस आता है, सो हम कहते हैं ना कि एक बार अच्छी सर्विस मिलने लगे तो कस्टमर वापस आपके पास आएगा, सो हमारी हम दोनों पे रखते हैं कि हमारा जो भी प्रोडक्ट कस्टमर के पे जाए और जिसकी उसकी जितनी एक्सपेक्टेशन है उसको पूरी तरह ना उभारा जाए, और हमारी आफ्टर मार्केट सर्विस आप देखिए कि हमारे ऑलमोस्ट 1000 टच पॉइंट है हर इंडिया में ऑल ओवर, सो हमारी रीच इतनी है कि आज मुझे लगता है कि हमारा वन ऑफ द बेस्ट नेटवर्क आज इंडिया में अवेलेबल है, और इसके लिए हमारे पास कस्टमर वापस आते हैं कि हमारी सर्विस अच्छी है, हमारा आफ्टर मार्केट अच्छा है। थैंक यू वेरी मच।